हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिनोलेक्स ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उस बारे में पूरी फुल डिटेल दूंगा मैं आपको। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? बीच में कट मत करिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। और तो चलिए आज के ये वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे मैं नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट बताना वीडियो कैसे लगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको फिनोलेक्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? इसको ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे दे रखे हैं दो ऑप्शन, लॉगिन और रजिस्टर का। तो हम यहाँ पे रजिस्टर करना है। लॉगिन यदि आप पुराने यूजर हो तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? तो हम नए यूजर हैं तो यहाँ से रजिस्टर करेंगे और यहाँ पे अपना रोल चूज करेंगे, कौन सा डीलर बनना है या इलेक्ट्रीशियन, कौन सी आपको चूज करना है वो चुन सकते हैं, ठीक है? एक रोल चुन लेते हैं और यहाँ पे हम भरेंगे हम हमारी ईमेल आईडी, और यहाँ पे फिल करना है आपको ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। यहाँ पे आपको भरना मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड भरना है, तो हम पासवर्ड भी फिल कर देते हैं। पासवर्ड आप अपने मन मुताबिक यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड यहाँ पे लिखने के बाद एक बार कंफर्म पासवर्ड यानी जो ऊपर डाला है वही ही यहाँ पर डाल देंगे हम। तो दोनों पासवर्ड जब मैच हो जाएंगे तो ये रजिस्टर का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आए, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। तो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ गई, हम यहाँ से इसको फिल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ये हमारा रजिस्टर हो चुका है। तो रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पे वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है जो आपने रजिस्टर करते वक्त डाला था, ठीक है? तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या होता है आगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद और पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस ऐप के वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है? तो हम यहाँ से इसको पहले भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस ऐप में रजिस्टर और लॉगिन कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल में चेंजेस भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको प्रोफाइल फिल करना बताऊंगा, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।